मेरा भी इनिशियल रिएक्शन, बाद में मैंने जब देखा प्रमोशन, पहले दो एपिसोड की स्क्रीनिंग के बाद की, ज्यादातर लोग वही बात कर रहे थे कि फिल्म की तरह लग रहा है। मैं आपको बताऊं ये क्या, इसके पीछे क्या वजह है कि अच्छा ये पहला टीजर आया जब, तो उसमें जो शूट था वो तो ये दो बंदे बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि फिल्म है। अच्छा लोगों ने वाकई बोला फिल्म लग रहा है, फिल्म। आई थिंक वो जो ट्रीटमेंट थी ना टीजर को बनाने की, एक वो भी जरा कैची थी, एंटरटेनिंग किया हुआ था। और खलील साहब का भी ना एक डायलॉग में एक रिदम होता है, वो रिदम आपने पकड़ा हुआ हो ना, आप फिर उस तरह बोलते ना, तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मेरे होने की वजह से उस टीजर में मैं ज्यादा था, तो शायद इसलिए इनको फिल्म लग रहा है, क्योंकि शॉट तो बस शूट हुआ है। लेकिन आई थिंक वो जो पूरा ओवरऑल जो आइसम ने एक टोन भी दी हुई है ना, उसमें भी एक फिल्म का सा आंसर है, वो बिल्कुल ऐसे फ्लैशी नहीं है, वो है थोड़ा पेस्टल कलर्स में, हर चीज बड़ी डिजाइन सजाई हुई जरा है, तो इससे लोगों को लगा कि फिल्म है। अच्छा लोग तारीफ बहुत कर रहे हैं स्क्रिप्ट की, स्टोरी की, द फैक्ट कि यू नो वो एक फैमिली ड्रामा से बाहर निकला है, वो सब कुछ है, लेकिन एक इतराज ये भी आ रहा है कि जो मुन्ना का कैरेक्टर है और जो बहुत ज्यादा भाई है, नहीं नहीं गुंडा तो शुक्र है नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं, बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा मुन्ना भाई जो है फिल्म वहां से अडेप्टेड है, ये बात खास तौर पे अब दिलवर को भी बोला कि ये मुन्ना का सर्किट है, ये सर्किट तो वो देखिए, एक तो पांचवा एपिसोड आने वाला, उसमें ये जवाब मिलने वाला है। पांचवे एपिसोड नहीं, अगर जवाब ये, लेकिन मेरी बात सुने, ये बात ये ठीक है कि अगर ये ना होता तो क्या होता, ये जरूरी भी नहीं था। खलील साहब ने उस तरह लिख लिया हुआ था कि ये जो कैरेक्टर है ये इंस्पायर्ड है, ये बहुत उससे मुन्ना भाई MBBS से, उसके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होता है, हो सकता है, हाँ हो सकता है। अच्छा अभी आना है चलो, मगर क्या ये होना जरूरी था? हाँ बात ये है कि ये होना जरूरी था, ये सवाल तो ये है या नहीं था, ये डिस्कशन मेरी हुई थी खलील साहब। हाँ। तो खलील साहब ये क्या कहते हैं, उन्होंने बोला अगर तुम लोग को जैसे ऐसे लग रहा था ऐसे क्या हो गया, अगर लग रहा है तो हटा दो। फिर हमने बोला क्यों हटाए, छोड़ दें, खलील साहब ने लिखा है तो कुछ सोच के लिखा था, वो कुछ एपिसोड के बाद एक तो ये क्लियर भी होगी बात, और वो ना भूल जाएंगे लोग ये वाला आंसर, मेरे ख्याल से ये है तो सही मेजर, हमने सोचा था हटाएंगे, हमने हाँ हम भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि कहा कि भाई तो कहते ही हैं, देखो ये कोई गलती नहीं है, मगर ये डिसीजन है, ये एक चॉइस है, है तो सही, थोड़ा सा चॉइस है, लेकिन उसमें एक एडिट वो चीज भी है ना कि फॉर एग्जांपल ये एक एक तरह से तनकीद आ रही है कि भाई हमारे यहां कुरंगी में इस तरह तो कोई बात नहीं करता। देखिए यार कुरंगी में इस तरह के गुंडे भी नहीं होते ऐसे जिस तरह के हमने दिखाए, ये फैंटेसी है, ये फैंटेसी वर्ल्ड है, और उसके अंदर हमने उसको जितना रियल करके दिखाने की कोशिश की है, तो कैरेक्टर लिखा हुआ ही ऐसा है, वो है एक ऐसा मासूम आदमी, उसने अभी गुंडागर्दी एक्चुअली की भी नहीं है, वो गुंडागर्दी की हुई है या जिस किस्म की भी भाईगिरी की हुई है वो की हुई है रहमती ने, और रहमती का भी उन्होंने जो कैरेक्टर रखा है वो अलग किस्म का रखा है, अभी वो लगता नहीं है कि वो अभी ग्रे लगता है, कभी नहीं पता चलता कि वो कितना कैसा है, क्या है, डार्क है इतना कि नहीं है, तो वो आगे पता चलेगा। तो बात फिर वो यही आ जाती है कि अगर फैंटेसी है तो टाउन भी शायद कोई फिक्शनल हो जाता फिर। हो सकता था। हमने ये भी सोचा था कि कुरंगी ना रखे नाम, लेकिन अब रख दिया तो क्या है? लेकिन लोगों के दिलों में था ये सवाल, तो अच्छा किया आप लोगों ने पूछ लिया। ये बड़े तेज हैं, ये बड़े तेज सवाल, और मैं बड़े मजे से जवाब दे रहा हूँ। कर लिया भाई और बताएं। कर लिया सोचा था निकालने के, वो भी सकता था कि ना भूल गए, भूल गए, सोचा था निकालने के, लेकिन कौन देता है जवाब? ठीक है ठीक है, भूल गए। अच्छा कास्टिंग में obviously जब इतने इस magnitude का एक project हो, तो यमुना तो आपने cast कर ली, but then माशाल्लाह you also have अदनान सिद्दीकी, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आखिरी drama भी आप लोगों ने इकट्ठे किया था, फिर अहमद अली बट भी हैं, जाहिद भी हैं, सुहाई भी हैं, तो जो casting का पूरा एक आपका process है वो क्या है? Who sits, do you guys sit down and like you know multiple names होते हैं under consideration? खलील साहब करते हैं, तो ये सना और खलील साहब बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहे थे कास्टिंग को, और अब यमुना का हो,
अदनान का, अदनान से पहले इसमें फरहान ताहिर काम कर रहे थे. अच्छा. हाँ, फरहान ताहिर की डेट्स का कोई इशू अच्छा. हुआ तो असल में अदनान ऐसा नहीं कि अदनान पहले दिमाग में नहीं आया था, अदनान आया था दिमाग में, लेकिन क्योंकि जो लास्ट मेमोरी है हम दोनों की वो वही है ना, शहबार और दानिश. बिल्कुल. तो इसमें दिमाग बोल रहा था कि वापस रिपीट नहीं होना चाहिए, फ्रेंकली स्पीकिंग. लेकिन जब ताहिर साहब, जो फरहान ताहिर हैं, उनके साथ डेट्स का ज़रा सा आगे पीछे हो रहा था, तो फिर मैंने शायद खलील को बोला था कि अदनान को कर लें, तो खलील साहब ने बोला फौरन, ओए ये पहले दिमाग में क्यों नहीं आया तुम्हारे, अदनान अदनान. और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया. और फिर उन्होंने अदनान ने जो है वो कमाल भी कर दिया, वो एक अलग मसला है. लेकिन मसला है ना, वो मेरे साथ जब कर रहा था मैंने कहा भाई तू तो ये हैरान कर रहा है मुझे, इतनी कहां से लाया एक्टिंग निकाला. कैरेक्टर को मिलते पप्पी करते हैं. हां हां, वो उन्होंने खुद ऐड किया हुआ है, बड़ा कुछ कर रहे हैं, कुछ चीज निकालता है यहां से, किसी कैरेक्टर की देख के आया था, पुड़िया को खोलता है और यहां करके इतनी डालता है. और फनी भी है थोड़े से. कहता दुबई में किसी से मिला था तो उस बंदे ने, वो इतना अमीर और इतना जबरदस्त बंदा, आखिर में उसने ना ये निकाला और ये करके यूं क्या कहता, मेरा सारा जो इम्प्रेशन था उसका वो सारा तबाह हो गया कि यार ये बंदे ने क्या किया. कह रहा मैंने वहां से उठाया था वो. अगर ठीक उठाया, गंदी चीजें फौरन उठाता है. यमुना, व्हाट्स इट लाइक टू बी ऑन सेट जहाँ पे हुमायूं सईद हो, अदनान सिद्दीकी हो, माशाल्लाह दोनों का एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, नाम बहुत बड़े हैं, तो डू यू फील लाइक इंटिमिडेटेड आल्सो एट टाइम्स या बहुत एक Not at all. I हंसी मजाक भी चलता रहता है, शुगल भी हो रहा है. हमारे सेट पे हंसी मजाक और शुगल तो बहुत कम हुआ, क्योंकि सब लोग अपने स्क्रिप्ट में ऐसे होते थे, क्योंकि अहमद भट्ट कोशिश करता था, अहमद बहुत कोशिश करते थे म्यूजिक, लेकिन इस तरह का कुछ वो नहीं कि कुछ मंगा लिया समोसे और पार्टी करेंगे वो. लेकिन हर कोई इतना स्क्रिप्ट और लाइन और अपने अपने सीन में वो था. महफ के हम लोग का ये नहीं हुआ, बट इंटायर एटमोसफेयर और सारी फील हमारे सेट की बड़ी कंफर्टेबल सी थी, बड़े सब बच्चों की तरह. ये तो ऐसे जैसे स्कूल का पांचवी जमात का बच्चा नहीं याद कर रहा होता. एक तरफ स्क्रिप्ट पे हमारा वो था जो प्रिंटेड होता है, एक तरफ इन्होंने हाथ से लिखा हुआ होता था ताकि इनको याद रहे. और मैं भी सुबह रात में रात करती थी और सुबह ट्रेडमिल पे रिवीजन कर रही होती थी, अम्मी बैठ के सुनती थी मेरा ये मतलब लंबे लंबे. अरे बहुत ही मुश्किल था. सो यू नो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए तो थ्रू आउट. बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार कंट्रोल इन्वायरमेंट्स जो है ना वो बड़े फ्रूटफुल निकलता है उसका रिजल्ट. सो मैं बहुत आदि नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम करने की, लेकिन आई थिंक दिस वॉज सक्सेसफुल फॉर मी. यमुना, आपकी विश लिस्ट पे अब क्या है एज एन एक्टर, क्योंकि अब ड्रामे भी बहुत पॉपुलर किए हैं आपने, बहुत हाइट्स ऑफ फेम भी यू नो देखी है, मूवी भी आपकी कैन में अवार्ड उठाए हैं. अब गई नहीं आई विश के कोई. हां, इट वाज वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल इन कैन्स. या इन कैन्स.